अजमेर दिल्ली हाईवे पर जयपुर के पास भीषण हादसा हुआ है। टैंकर के ऊपर पलटा तेज रफ्तार ट्रेलर, सामने लगे सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। देखिए सुबह सुबह एक एक्सीडेंट की खबर सामने आ रही है, रोड एक्सीडेंट ये बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हुई है। ये देखिए हाईवे पर यह हादसा हुआ है, ये अजमेर दिल्ली हाईवे बताया जा रहा है। जयपुर के ठीक पास एक भीषण हादसा हुआ, टैंकर के ऊपर पलटा तेज रफ्तार ट्रेलर, सामने लगे सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद हो गया। देखिए बेहद भीषण यह हादसा था, आप देख सकते हैं कैसे एक घेरे में आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है। सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। टैंकर के ऊपर पलटा तेज रफ्तार ट्रेलर, ये देखिए एक टैंकर जो कि सड़क किनारे से जा रहा था और उसी दौरान ट्रेलर उस पर पलट गया। करधनी थाना इलाके का है, जहां कल शाम एक ऐसा सड़क हादसा हुआ जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। यहां अजमेर दिल्ली हाईवे पर चल रहा एक बेकाबू ट्रेलर देखिए किस तरह से सर्विस रोड पर चल रहे टैंकर के ऊपर आकर गिर गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। गनीमत रही कि टैंकर के ठीक पीछे चल रही कार को उसके चालक ने रोक लिया, नहीं तो ये कार भी इस हादसे की चपेट में आ जाती। इस भीषण हादसे के बाद से ट्रेलर ड्राइवर फरार है, जबकि गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाने में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ है, आरोपी ने सरेराह चाकू से हमला किया, बीजेपी नेता गंभीर तौर पर घायल। खौफजदा कर देने वाली यह तस्वीरें थाने जिले के भाईंदर वेस्ट की हैं, जहां कल शाम करीब 5:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव राजन पांडे पर चाकू से हमला हुआ। हमलावर का नाम विनोद राजभर बताया जा रहा है। राजन पांडे और हमलावर के बीच 2 दिनों से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद हमलावर ने राजन पांडे को भाईंदर वेस्ट में बुलाया था। राजन पांडे के आते ही हमलावर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में राजन पांडे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका एक और सहयोगी भी इस हमले में घायल हो गया है। और अब आपको मुंबई के घाट कोपर इलाके का एक वीडियो दिखाते हैं, जहां कार से मामूली टक्कर के बाद एक ओला ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई की गई। मारपीट का ये वीडियो इसी महीने 19 अगस्त का है, जिसमें ओला ड्राइवर कैमुद्दीन की कार से ऋषभ की गाड़ी को टक्कर लग जाती है, जिसके बाद आरोपी ऋषभ कार से नीचे उतरता है और बिना कुछ सोचे समझे ओला ड्राइवर को उठाकर जमीन पर पटक देता है। बहुत देर तक ओला ड्राइवर जमीन पर बेसुध पड़ा रहता है। इस दौरान कई लोग वहां मौजूद थे, लेकिन कोई भी जमीन पर पड़े ओला ड्राइवर की मदद को नहीं आता। पूरी वारदात सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी ऋषभ की तलाश शुरू कर दी है। अब बात यूपी के जालौन की, जहां पर पिटाई के बाद एक शख्स को घसीटने का वीडियो सामने आया है। शर्मसार कर देने वाला ये वीडियो उरई कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां देखिए किस तरह से पिटाई के बाद बेसुध होकर गिरे इस ई रिक्शा ड्राइवर को ये शख्स घसीटता हुआ ले जाता दिख रहा है, लेकिन इस बीच कोई भी उसे रोकने के लिए सामने नहीं आता। बताया जा रहा है कि पहले तो इस ई रिक्शा ड्राइवर को इस शख्स ने खूब पीटा, जब वो बेहोश हो गया तो देखिए किस तरह से बीच सड़क से घसीटता हुआ उसे ले जाकर सड़क के किनारे फेंक देता है। इस दौरान किसी ने इस वारदात का वीडियो बना लिया, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब बात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल के एक वायरल वीडियो की करेंगे, जो सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिस पर पुलिस ने खुद ही संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है। वीडियो में देखिए किस तरह से तेज रफ्तार में कार चलाते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल एक बाइक सवार को टक्कर मार देता है। एक्सीडेंट को लेकर जब बगल में बैठी एक लड़की टोकती है तो वो बोलता है कि ये तो उसका रोज का काम है। कार में पिछली सीट पर बैठा शख्स इस हादसे को अपने कैमरे में कैद कर लेता है और यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर फरीदाबाद पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। अच्छे इंसान होते हैं।
ग्रेटर नोएडा में कार के बोनट पर बैठकर स्टंट करने वाले छात्रों पर पुलिस ने कार्रवाई की। कार के बोनट पर बैठकर स्टंट करते और हूटर बजाते छात्रों का ये वीडियो ग्रेटर नोएडा का है। यहाँ डीकैथलॉन परिसर में ये छात्र कार के बोनट पर बैठकर स्टंट कर रहे थे। इस दौरान किसी को वीडियो बनाता देख छात्र मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और कार के नंबर के आधार पर कार को जब्त कर लिया है। साथ ही आगे की जांच भी की जा रही है। स्टंट करने वाले ये छात्र पास के ही एक इंस्टीट्यूट के बताए जा रहे हैं। बिहार के मधुबनी में पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। तस्वीरें भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम की है, जहां गांव वाले सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही मधेपुर थाने की पुलिस टीम प्रदर्शन स्थल पर पहुंची, भीड़ ने पुलिस कर्मियों को खदेड़ खदेड़ कर पीटना शुरू कर दिया। दरअसल रहुआ संग्राम ग्राम के एक शख्स का 15 अगस्त को शव मिला था, जिसको लेकर ग्रामीण नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। दो दिनों तक धरने के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम की थी। इस दौरान जैसे ही पुलिस की टीम वहां पहुंची, ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। मधेपुर थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी हमले में घायल हो गए। प्रयागराज के आशीष लॉज में एनआईए की छापेमारी हुई है। शिवकुटी थाना क्षेत्र के चांदपुर सलोरी में छापेमारी की गई। वीरेंद्र सिंह यादव के कमरे के दस्तावेज खंगाले गए हैं। कई दस्तावेज और साहित्य कब्जे में लिए गए। अर्बन नक्सल फंडिंग के चलते इस छापेमारी की आशंका जताई जा रही। और अब बात बाढ़ बारिश की करेंगे। गुजरात में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पोरबंदर में हालात बिगड़ चुके हैं। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से भादर नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा हुआ, जिसकी वजह से पोरबंदर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पोरबंदर की सड़कों पर कई फीट पानी भरा है, घरों में भी पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोगों ने घरों की दूसरी मंजिल पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। खाने के सामान की किल्लत हो गई है और लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। जो कड़िया प्लॉट का जो सिटी है, वहाँ का जो ये यार्ड तरफ का जो रास्ता है, वो भी पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। और वहीं गुजरात से अहम खबर। गुजरात में असना तूफान का खतरा तो टल गया, लेकिन उसका असर जरूर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कच्छ इलाके में भारी बारिश हो रही है। तूफान के चलते हुई भारी बारिश के बाद भुज की सड़कों पर भारी जल भराव हो गया है। रिहायशी इलाकों में तेज रफ्तार से पानी भरने लगा, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तूफान की चेतावनी को लेकर प्रशासन पहले से लोगों का रेस्क्यू करने में जुटा था। 36 घंटे हो गए यहाँ पानी गिर रहा है ऊपर से, और अब तक मेरी उम्र 45 इयर्स है, लेकिन अब तक ऐसी बारिश नहीं देखी। ऐसी बारिश थी यहाँ पे, बहुत बारिश हुई है, तकरीबन 20 से 25 इंच बारिश होगी दो दिनों में। तूफान के चलते कई पेड़ टूटकर गिर गए हैं, जिन्हें हटाने का काम भी जारी है। गुजरात के द्वारका जिले में बाढ़ में फंसे लोगों का सेना ने रेस्क्यू कर लिया है। TV9 संवाददाता जयेश पारकर ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बात। देवभूमि द्वारका के खंभालिया तहसील में सेना के जवान पहुंचे तो इन लोगों को बचाया जा सका। 80 जवान यहां पर लगातार पिछले 3 दिनों से इन लोगों को बचा रहे हैं। शेल्टर होम में इन लोगों को आश्रय दिया गया है। तब पानी बरसा था, क्या नुकसान हुआ आपका? हमारा नुकसान ये हुआ कि जो हमारे आटा चावल कपड़े लत्ते सब जो टपरिया डाले रहे, सब हमारे कपड़े लत्ते सब बह चुके। अब बात हिमाचल प्रदेश के चंबा की, जहां पर आप देखिए किस तरह से श्रद्धालु अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। वीडियो चंबा जिले के मणि महेश यात्रा का है, जहां देखिए किस तरह से जान जोखिम में डालकर श्रद्धालु रावी नदी को पार कर रहे हैं। 26 अगस्त से मणि महेश यात्रा खड़े पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है, जिसके चलते कुछ लोग छोटे रास्ते के लिए उफनती रावी नदी के बीच में से यात्रा करते दिख रहे हैं, जो किसी बड़े हादसे की वजह भी बन सकती है। लेकिन जल्दी सफर तय करने के लिए लोग जान जोखिम में डालने को तैयार है। प्रॉपर प्रिकॉशन और प्रॉपर तैयारी के साथ आए। ये एक डिफिकल्ट ट्रैक है, 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, 13 किलोमीटर की खड़ी ढलान है। और पंजाब के डोमेली इलाके में बांध टूट गया है। बांध टूटने से झेलम में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। लोगों का रेस्क्यू करने में प्रशासन जुटा हुआ है। तस्वीरें पंजाब के झेलम जिले की हैं, जहां
डोमेली इलाके में एक छोटा बांध पानी के तेज बहाव को झेल नहीं सका और अचानक टूट गया। बांध एक नहीं बल्कि कई जगहों से टूट गया, जिसके बाद देखिए कितनी तेज रफ्तार से पानी आसपास के निचले इलाकों की ओर बढ़ने लगा, जिसके चलते बांध के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। बांध टूटने की सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है और निचले इलाकों से लोगों का रेस्क्यू करने में जुट गया है। पंजाब में बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन मुस्तैदी से बांध के मरम्मत के काम में भी जुटा है। एक अहम खबर, आज 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। मेरठ, लखनऊ और मदुरई बेंगलुरु के बीच वंदे भारत की शुरुआत होगी। चेन्नई नागरकोइल के बीच भी शुरू होगी वंदे भारत। आज देश को 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 3 नई वंदे भारत ट्रेनों में से पहली मेरठ लखनऊ के बीच चलेगी, दूसरी वंदे भारत मुदेरे बेंगलुरु के बीच शुरू होगी और तीसरी ट्रेन चेन्नई नागरकोइल के बीच चलेगी। नई वंदे भारत ट्रेनों के शुरू होने से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में रेल सेवाएं बेहतर करने में मदद मिलेगी। आज दिल्ली में जिला न्यायपालिका सम्मेलन होना है। पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे पीएम मोदी। शुक्रवार को वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर हुई दूसरी जेपीसी बैठक में जमकर हंगामा हुआ। इस बैठक में केजरीवाल से लेकर जिन्ना अखंड भारत और अफगानिस्तान तक का जिक्र हुआ। रिपोर्ट आती है। वक्फ संशोधन विधेयक पर शुक्रवार को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की दूसरी बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के बीच बैठक में तीखी बहस हुई। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने बिल के विरोध में एक और लिखित नोट जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल को सौंपा है। इधर बैठक में शामिल हुए मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। अब जेपीसी की अगली बैठक 5-6 सितंबर को बुलाई गई। यूपी में लंबे समय से खाली पड़े निगम और आयोगों के पदों पर अब नियुक्ति की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्तियां की गई। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के खाली पदों पर नियुक्ति कर बीजेपी सरकार ने यूपी में आयोगों और निगमों में नियुक्ति की शुरुआत कर दी है। पूर्व सांसद राजेश वर्मा को यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 23 सदस्यों को नामित किया गया है, जिनका कार्यकाल 1 साल का होगा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से निगम और आयोगों में नियुक्ति को लेकर बीजेपी संगठन और सरकार में गहन चिंतन चल रहा था। लखनऊ में बीजेपी विभाग प्रकोष्ठ की कार्यशाला का आयोजन किया गया और इसमें यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल। लखनऊ में हुई बीजेपी विभाग प्रकोष्ठ की कार्यशाला में यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने पदाधिकारियों से चर्चा की। इस कार्यशाला में बीजेपी पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए, साथ ही उपचुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। इस अभियान की शुरुआत 2 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी की सदस्यता के साथ शुरू होगी। उसके बाद राज्यों में, फिर जिलों में हम लगातार अपने संगठन के माध्यम से सदस्यता अभियान चलाएंगे। आज से केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय समन्वय बैठक की शुरुआत होगी। बैठक में चुनाव, आरक्षण और बांग्लादेश सहित 9 बड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। केरल के पलक्कड़ में आज से होने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में बीजेपी समेत संघ के 32 अनुषांगिक संगठन के प्रमुख पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी केरल पहुंच चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद संघ की ये पहली अखिल भारतीय समन्वय बैठक है। ऐसे में इस बैठक में न सिर्फ चुनावी नतीजों पर चर्चा हो सकती है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, आरक्षण और बांग्लादेश जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। शुक्रवार को दिल्ली के बीजेपी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को भंग करने की मांग।
दिल्ली के बीजेपी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और दिल्ली सरकार को भंग करने की मांग की। बीजेपी विधायकों ने 5 महीने से विधानसभा सत्र नहीं बुलाने, फाइनेंस कमीशन का गठन न होने और कैबिनेट की बैठक नहीं होने की शिकायत की है। राष्ट्रपति महोदया से ये मांग की मेमोरेंडम के देकर देते हुए कि दिल्ली की सरकार को तुरंत भंग किया जाए, क्योंकि ये मॉरल राइट खो चुकी है, ये कंप्लीट फेलियर है, सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। असम विधानसभा में शुक्रवार को नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। असम विधानसभा सत्र के दौरान शुक्रवार को नमाज के लिए मुस्लिम विधायकों को मिलने वाला 2 घंटे का अवकाश खत्म कर दिया गया है। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। सीएम ने लिखा कि जुम्मे पर 2 घंटे के ब्रेक को खत्म करके विधानसभा की प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम किया गया है। असम विधानसभा के एक अधिकारी ने बताया कि यह नियम अगले सत्र से लागू किया जाएगा। शुक्रवार को सत्र के आखिरी दिन आखिरी बार विधायकों को ये 2 घंटे का ब्रेक दिया गया। खबर कन्नौज से। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने ही उनके समर्थकों में जमकर मारपिटाई। कन्नौज में छिबरामऊ क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता के घर पहुंचे अखिलेश यादव के सामने ही उनके समर्थक भिड़ गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव से मिलने के चक्कर में और माला पहनाने को लेकर कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ था। इस दौरान मारपीट शुरू हो गई। कार्यकर्ता लड़ते लड़ते अखिलेश की गाड़ी के सामने आ पहुंचे। इस दौरान मौके पर मौजूद दूसरे कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाला और अखिलेश यादव की कार से दूर किया। दूसरे किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर आज किसान संगठन 2 बड़े आयोजन करने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दूसरे किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर आज किसान संगठन 2 बड़े आयोजन करने वाले हैं। पहला आयोजन शंभू बॉर्डर पर होगा। यहाँ किसानों की महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में किसान शंभू बॉर्डर पहुँच रहे हैं। यहाँ किसान अपने आंदोलन के आगे की रणनीति तय करेंगे। दूसरा आयोजन खन्नौरी बॉर्डर पर होगा। यहाँ भी किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। यहाँ किसान सम्मेलन में रेसलर विनेश फोगाट भी शामिल होंगे। इस दौरान विनेश फोगाट को सम्मानित करने की भी तैयारी की गई है। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ कल बीजेपी ने प्रदर्शन किया और पश्चिम बंगाल महिला आयोग के दफ्तर पर ताला लगाने का ऐलान। बीजेपी ने कहा कि वो उन सभी सरकारी दफ्तरों पर ताला लगाएगी जिन्होंने कोलकाता केस में अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। इसी कड़ी में बीजेपी महिला मोर्चा ने महिला आयोग के दफ्तर पर ताला लगाने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। हम लोग चाहते हैं कि इसका जस्टिस हो जाए। आज हम लोग महिला कमीशन के वहाँ पे जाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि महिला कमीशन एक भी शब्द नहीं बोला ये खून के बारे में, लेडी के बारे में। अगर महिला कमीशन होते भी ये लोग चुपचाप रहेंगे तो महिला कमीशन को ताला लगाना चाहिए। यूपी की बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए अब प्रशासन ने ऑपरेशन भेड़िया चलाया हुआ है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए गांव में तलाशी की जा रही है। पुलिस और वन विभाग की टीम ड्रोन के जरिए इन इलाकों की निगरानी कर रही है जहां भेड़ियों को देखा गया था। 6 भेड़िये देखे गए थे थर्मल ड्रोन में, तो 4 पकड़ लिए हैं और 2 ही बाकी हैं, उनको भी हम पकड़ लेंगे। भेड़ियों की दहशत में लोग सो नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते रात में पटाखे फोड़कर भेड़ियों को भगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं रात के समय निगरानी के लिए इंफ्रारेड ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। करीब 35 गांव में भेड़ियों की दहशत है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी लोग खौफ में हैं। पुलिस के साथ वन विभाग की टीम इलाके में तैनात है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। तस्वीरें इमलिया गांव की हैं, जहां बाघ की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हाल ही में बाघ के हमले से गांव के एक शख्स की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से बाघ की तलाश जारी है। गांव में बाघ को पकड़ने के लिए 4 पिंजरे लगाए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही ड्रोन के जरिए भी बाघ की तलाश की जा रही है। टाइगर जिस एरिया में रहता है वहाँ वापस आता है, बार बार आता है, तो हम लोगों की यही कोशिश है कि पहले जो है उसकी लोकेशन ट्रेस करें और जहाँ है उसको पिंजरे की तरफ आगे बढ़ाएं। गांव वालों से अपील की गई है कि वो सुबह और शाम के समय घर से बाहर ना निकले।
यूपी के मुरादाबाद में एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से बात की तो कुछ मुस्लिम युवक नाराज हो गए और उन्होंने लड़की के साथ बदसलूकी की, जिसके खिलाफ पीड़ित लड़की ने FIR दर्ज करवाई। पीड़ित लड़की शाम के समय दफ्तर से लौट रही थी। इसी दौरान उसे मोहल्ले के कुछ मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू लड़के से बात करते हुए देख लिया था, जिस पर वो भड़क गए। उन्होंने मुझे रोका, मुझसे कहा कि ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी, मुसलमान के लड़के कम पड़ गए हैं जो हिंदू लड़कों से बात करती फिर रही हो, तुम बहुत बदतमीज लड़की हो, तुम्हारा यही धंधा है, उन्होंने ये बात बोली मुझसे। दो लड़कों ने पीड़िता को उन लड़कों के चंगुल से बचाया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई और महिला के साथ अभद्रता की है। नोएडा से एक फर्जी रॉ एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से कई फर्जी आईडी कार्ड्स बरामद हुए। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा ये फर्जी रॉ एजेंट महंगे होटलों में परिवार के साथ रुकता था। जब होटल स्टाफ उससे होटल का बिल मांगता तो उन्हें रॉ एजेंट होने का रौब दिखाकर धमकाता था। इस बार ये नोएडा सेक्टर 49 में रुका, जहां के होटल स्टाफ की शिकायत पर इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां पर इस व्यक्ति की गहन जांच की गई, इसकी तलाशी ली गई। इसके पास से एक आइडेंटिटी कार्ड फर्जी रा डिपार्टमेंट का बरामद हुआ, इसके पास से एक आधार कार्ड बरामद हुआ, एक पासपोर्ट बरामद हुआ है। दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची के अपहरण के बाद 36 घंटों में पुलिस ने बच्ची को बिहार नेपाल बॉर्डर से रेस्क्यू किया। अपहरण के आरोप में बच्ची के मौसा मौसी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि बच्ची के चाचा ने आरोपी मौसा से 30 लाख रुपए लिया था, जिसे वो लौटा नहीं रहा था, जिसके लिए आरोपी ने ये साजिश रची। आरोपी बच्ची को नेपाल में अपने रिश्तेदार के पास ले जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मौसा और मौसी ने चॉकलेट के बहाने लोर करके उसको रात में बाहर ले गए थे, कॉलोनी को बाहर ले गए थे, और वो फिर बच्ची को उस पार्टी में डाल के उसको बिहार ले गए। इंडिया नेपाल बॉर्डर पे बच्ची को रेस्क्यू किया गया। देहरादून में फोन खो जाने के बाद एक युवक ने ऐसा हंगामा किया कि पुलिस के लिए उसे संभाल पाना काफी मुश्किल हो गया। फोन खो जाने के बाद युवक बेकाबू हो गया और जान देने के लिए दून मेडिकल कॉलेज की 4th मंजिल पर चढ़ गया। उसने धमकी दी कि या तो उसका खोया हुआ फोन लाकर दे दिया जाए, नहीं तो वो 4th मंजिल से कूदकर अपनी जान दे देगा। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा गया। ये युवक लखीमपुर खीरी से देहरादून घूमने के लिए आया था। रेलवे स्टेशन पर उसकी तबीयत खराब होने पर किसी ने उसका फोन लेकर एम्बुलेंस को सूचना दी थी। माना जा रहा है कि वही शख्स उसका फोन लेकर चला गया, जिसके लिए ये जान देने पर आमादा था। यूपी के प्रयागराज में मदरसे में नकली नोट छापने के मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। मदरसा के प्रिंसिपल को पद से हटा दिया। प्रयागराज के मदरसा में नकली नोट बनाने के खुलासे के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार किए गए प्रिंसिपल को पद से हटा दिया गया है और साथ ही मदरसे का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की भी कार्रवाई की जा रही है। जो बाकी तथ्य भी जुटाए गए हैं उसमें ताकि उनसे और जानकारी की जा सके कि ये जो FICN जो मिली थी करेंसी, फेक करेंसी, उसके बारे में उनका सोर्स क्या था, कहाँ उन्होंने ये चीज़ें सीखी, इनके बारे में पुलिस जानकारी कर सके। अब बात भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास तरंग शक्ति की, जो कल से जोधपुर में शुरू हो गया है। इस वॉर ड्रिल में भारत समेत 8 देशों के वायुसेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं। ये एक्सरसाइज 14 सितंबर तक जारी रहेगी। तरंग शक्ति 2024 का ये दूसरा फेज है। इससे पहले 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में इसका पहला फेज हुआ था। इसमें 30 देशों के वायुसेना के जवान शामिल हुए थे। जोधपुर में हो रही इस एक्सरसाइज के दूसरे चरण में भारत, जापान, अमेरिका, ग्रीस, UAE और हंगरी के वायुसेना का दल हिस्सा ले रहा है। श्रीता विलियम्स और वुच्चा वलमोर को स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर लाने के लिए नासा ने खास प्लान तैयार किया है। क्या है ये प्लान, आप इस रिपोर्ट को देखें। नासा ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। नासा ने अपने अगले अंतरिक्ष यात्रियों की लिस्ट से 2 नामों की कटौती कर दी है, ताकि वापसी की यात्रा में सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर के लिए जगह बनाई जा सके।
नासा ने यह फैसला दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए लिया है। नासा के निक हेग और रूसी अलेक्जेंडर गोर्बानोव स्पेसएक्स रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। इसके बाद दोनों फरवरी में सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर के साथ वापस लौटेंगे। शुक्रवार का दिन पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए शानदार रहा। भारत ने पैरालंपिक के दूसरे दिन 4 पदक अपने नाम किए। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत की शुरुआत शानदार रही है। पेरिस पैरा ओलंपिक के दूसरे दिन शुक्रवार को भारत ने एक ही दिन में 4 मेडल अपने नाम किए। पेरिस पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में अवनि लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनीष नरवाल ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इधर महिलाओं के T35 वर्ग के 100 मीटर इवेंट में प्रीति पाल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इधर भारत के खिलाड़ियों के परिवार ने जमकर जश्न मनाया। शुक्रवार को पुर्तगाल में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तरी पुर्तगाल में आग बुझाने के काम में लगा एक हेलीकॉप्टर डोरो नदी में क्रैश हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स अभी भी लापता है जिसकी तलाश की जा रही है। हादसे में हेलीकॉप्टर का पायलट जीवित बचा है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हेलीकॉप्टर आपातकालीन सुरक्षा और राहत इकाई के 5 सदस्यों को लेकर जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हेलीकॉप्टर ने अचानक नियंत्रण खो दिया और सीधे नदी में जा गिरा। जापान में शानशान तूफान के कारण तेज हवाओं और भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में लैंडिंग में विमानों को आने वाली परेशानी के डरा देने वाले वीडियो डरा देने वाली ये तस्वीरें जापान के फुकुओका एयरपोर्ट की हैं, जहां तेज हवाओं और बारिश के कारण विमानों को लैंडिंग में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर विमान लैंडिंग की कोशिश करते दिखे, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। पायलटों को आ रही दिक्कतों के कारण फुकुओका एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग रोक दी गई। फुकुओका आने वाली फ्लाइटों को दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया है। जापान के मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। जापान में शानशान तूफान जमकर कहर बरपा रहा है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के बाद जापान की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात। शानशान तूफान की वजह से जापान में हालात बेकाबू हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से जापान की सड़कों पर सैलाब आ गया है। ये तस्वीरें जापान के कांटो शहर की है, जहां सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तूफान और भारी बारिश के कारण दक्षिण पश्चिमी जापान में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इधर जापान के इसेहारा में लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी चपेट में कई वाहन आ गए। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। रूस में इंटरनेशनल नाइट ऑफ लाइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अलग अलग देशों से आए लोगों ने इस खूबसूरत फेस्टिवल में हिस्सा लिया। रूस में इंटरनेशनल नाइट ऑफ लाइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान सेंट पीटर्सबर्ग पैलेस को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया, साथ ही लेजर लाइट शो का भी आयोजन किया गया। इस खूबसूरत लाइट शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। इस लाइट शो को डिजाइन करने में कई देशों के कलाकार शामिल थे। रूस, चीन, जापान, इंडोनेशिया, हंगरी, स्पेन से आए कलाकारों की टीम ने दिन रात मेहनत करके AI तकनीक के माध्यम से इस लाइट शो को डिजाइन किया था। यूपी के प्रयागराज में NIA की छापेमारी। प्रयागराज के चांदपुर सलोरी में छापेमारी। NIA ने आशीष लॉज में की छापेमारी। अर्बन नक्सल फंडिंग मामले में छापेमारी की आशंका। सुबह 3:30 बजे से 7:30 बजे तक छापेमारी की कार्रवाई। छापेमारी में कई दस्तावेज जब्त किए गए।